बेटा छेवीं क्लास का अध्याय 12 की अभ्यास 12.2 का दूजा क्वेश्चन करन जा रहे हैं। इस तो पिछले क्वेश्चन दे विच असी पता किया सीगा कि दित्ते अनुपात समान अनुपात या प्रपोर्शन विच है या नहीं हैं। उहदे विच जिहड़ा रूल असी अपलाई किया सीगा उहदे विच भी असी अंत पदा का गुणनफल ते मध पदा के गुणनफल नूं कढ के देखिया सीगा कि वह बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इतने भी सानू यही पूछा गया दूजे सवाल कि हेठ लिखे कतना दे अगे ठीक या गलत लिखो। यह मतलब कि वह भी यही कह रहा है कि आ जो पहला अनुपात देखो दो आ देखो ना एक बिंदु दिख रहा है यदि मतलब अनुपात हों डबल बिंदु का मतलब होंगे प्रपोर्शन या समान अनुपात। मतलब इस दो बिंदुओं के खब्बे पासे भी एक अनुपात है सज्जे पासे भी एक अनुपात है। तो पूछा जा रहा है कि यह दो अनुपात समान अनुपात हैं प्रपोर्शन विच हैं या नहीं हैं ठीक या गलत दसना है। असं इस भी उसे मैथड नाल ही करांगे। थोड़ा लिखन से सौखा किया है और कुछ नहीं किया है बेटा। मैं देखो एरो लगाया है इतने लिखे है अंत पदा का गुणनफल जिदा भी कल आप पिछले पहले सवाल के लिखा है उस तरीके का मध पदा का गुणनफल। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीनस। 16 एक्सट्रीम्स का मतलब तो सारे पता है कि अखीरले दो 16 असी 3 गुणा किया 16 गुणा 30 480 आया। 24 20 गुणा किया मीनस के 480 आया। जेकर विचकार बराबर का निशान आ गया तो ठीक ट्रू लिख देना है जेकर विचकार बराबर ही नहीं आया तो फिर गलत लिख देना है ना सौखा। इसी तरह इसका दूजा भाग करांगे ध्यान देखो सारे। सब तो पहला असीं कढ़ांगे अंत पदा का गुणनफल तो मध पदा का गुणनफल। तुसीं देख सकते हो मैं फिर एरो लगाया है अंत पदा का गुणनफल मध पदा का गुणनफल तो अंत पद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीनस इंग्लिश वाले बच्चों लई तो पहले तो अखीरे नूं मल्टीप्लाई किया 21 दा आया 210 हुंदा है। 6 नूं 35 नाल गुणा किया है 35 नूं 6 नाल तुसीं गुणा करके देख सकते हो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा 210। विचकार बराबरी का निशान लग गया क्योंकि दोनों बराबर ने इस करके असीं आंसर की लिखांगे ठीक ट्रू। साढ़े दूजे सवाल का आंसर जिहड़ा आ गया है ठीक आ गया है जिसनों असी की बोलांगे पर इंग्लिश वाले बच्चे लिए ट्रू। तो उम्मीद करांगा कि तुहानूं दूजा सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके नाल समझ आया होगा। हुण असीं इसका तीजा भाग करांगे ध्यान दिखना है जिहदे विच साडे कोल है 12 अनुपात 18 डबल अनुपात 28 अनुपात 12। हुण तीजे सवाल च देखो बेटा असीं अंत पदा का गुणनफल करना है 12 नूं 12 नाल गुणा करांगे 12 गुणा 12 ते मध पदा दे विच 18 नूं 28 नाल गुणा करांगे 18 गुणा 28। 12 नूं जदों 12 नाल गुणा करांगे तां तुसीं देखोगे तुहाडे कोल आंसर किन्ना आ रहा है 12 नूं 12 नाल गुणा किया 2 दूनी 4 2 एकम 2 ते साडे कोल आ गया बेटा जी 144। ते 18 नूं 28 नाल गुणा करांगे 8 8 4 4 उपर 6 8 एकम 8 8 6 14 गुणा 2 8 16 2 1 3 4 0 उपर 1 3 4 504। देखो एदा आंसर 144 आया है ते एदा 504 आया है। इत्थे असीं लिखांगे 144 तो इतने असं लिखा 504 तो ये मतलब बराबर नहीं ना बराबर आ गया बराबर तो नहीं है ना असर साढ़ा 144 504 बराबर नहीं है ने मतलब असं की लिखा गलत है ना। तो इस तरह असं अपना आंसर लिख लिया बेटा कि यह गलत है ये अनुपात समान अनुपात विच नहीं हैं। चौथे भाग के देखो बेटा सारे चौथे भाग के हम असी करा अंत पदा का गुणनफल 8 नूं बेटा 27 नाल गुणा 8 गुणा 27 ते मध पदा विच 9 नूं 24 नाल बेटा। हुण जदों असीं 8 नूं 27 नाल गुणा करांगे तां देखो तुसीं की आंदा साडे कोल। देखो बेटा जदों असीं 27 नूं 8 नाल गुणा कीता साडे कोल आ गया 216 ते 24 नूं 9 नाल गुणा कीता तां वी साडे कोल की आ गया है 216। इहदा मतलब साडे कोल इधर भी 216 आया है ते सज्जे हथ भी 216 आया है। इहदा मतलब इहदे विचकार बराबर दा निशान लग गया ते इहदा मतलब इह सही है ठीक है बेटा। तो असं इतने लिखांगे सही तो दूजे पासे इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे ट्रू। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तो चौथा भाग भी वधिया तरीके नाल समझ आया होगा। हुण असीं पंजवा भाग करांगे ध्यान नाल देखियो। पंजवें भाग दे विच बेटा ध्यान नाल देखो सारे पांच दशमलव दो है बेटा। देखो ध्यान पांच दशमलव दो नूं असी कितना गुणा करांगे चार नाल। पांच दशमलव दो नूं असी चार नाल गुणा करांगे ते तीन दशमलव नौ नूं तीन नाल। ये थोड़ा जिहा ध्यान रखना कि इत्थे दशमलव वाली रकमां ने एको ही बिंदु है ठीक है दशमलव हुंदा है।
हूँ, 4 × 8 = 54 भी ए आ गया बेटा 20.8, 9 × 3 = 27, 7 × 2 = 3, 9 × 2 = 11। मैं सीधी गुणा कर लिया, तुम अपने आप करके देख सकते हो कि साढ़े जोड़े आंसर आए ने बेटा वो जोड़े है बराबर नहीं आए ने। एक पासे 20.8 है तो एक पासे 11.7 है, इस करके इन्हों के विचकार ना बराबरी का निशान आ गया है। तो यदा मतलब ये जोड़ा है सही नहीं होगा, यदा आंसर लिखांगे असी गलत। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरह साडा पंजवा भाग भी बेटा कंप्लीट हो गया है। हुण असीं छेवां सवाल करन जा रहे हैं, छेवां भाग करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखोगे सारे। छेवें भाग दे विच बेटा असीं अंत पदां मतलब 0.9 नूं 4 नाल गुणा करनी है। 0.9 नूं असीं 4 नाल गुणा करांगे, ते मध पदां दे विच असीं 0.36 नूं बेटा जी 10 नाल गुणा करांगे। 9 × 36 इहदा आंसर आ गया बेटा 3.6, ते 10 नाल गुणा करके इहदा आंसर वी किन्ना आ जाएगा 3.6। इहदा मतलब इहदे विचकार बराबरी दा निशान आ गया है, इस करके इहदा आंसर की होएगा साडे कोल सही होवेगा। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखणगे इहदा आंसर ट्रू लिखणगे बेटा। तो इस तरह साडा छेवां भाग भी इस सवाल का जिहड़ा है कंप्लीट हो गया है। इस तरह बेटा साडा इस अभ्यास 12.2 का दूजा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाने की कोशिश की गई है, उम्मीद करांगा कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आ रहा है। हुण असीं इसका तीजा सवाल करांगे, ध्यान नाल देखना सारे ने। हुण तीजा सवाल बेटा बिल्कुल सेम है तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन की तरह। इहदे विच वी सानू यही कहा गया है कि सानू कि जिहड़े इधर दा अनुपात ते इस अनुपात जिहड़े सही हन बराबर हन कि समान अनुपात ही हो गया ना, दो बारी बिंदुआ लगा देना जां बराबर दा निशान लगा देना इको ही गल ने। बस इस गल दा ध्यान रखियो बेटा कि खब्बे हथ जिहड़े अनुपात ने उहनां दी यूनिट ते सज्जे हथ जिहड़े अनुपात ने उहनां दी यूनिट बराबर होनी जरूरी है। जिवें कि खब्बे हथ व्यक्ति ने तां व्यक्ति ही होने चाहिए दोनों, ते इधर रुपए ने तो रुपए ही होने चाहिए, एक रुपया तो एक पैसा नहीं होना चाहिए। इस गल दा ध्यान रखियो। ते तुहाडे कोल बेटा खब्बे हथ दोनों व्यक्ति सेम ने ते सज्जे हाथ दोनों ही पैसे ने, तो असीं बिल्कुल सेम उस तरीके नाल सवाल नूं हल करांगे जिवें कि तुहानूं मैं सैकेंड क्वेश्चन करवाया सीगा पिछला। ध्यान नाल देखियो, तुसीं देख सकदे हो बेटा मैं लिख लिया है अंत पदां दा गुणनफल ते मध पदां दा गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीनस। तो हुण ध्यान नाल देखियो एक्सट्रीम्स कहड़े ने बेटा, 10 दे नाल सीधा ही 75। ध्यान नाल देखियो बेटा ये थोड़ा वड्डे लिखे ने, 10 नाल एक्सट्रीम कहड़ा होएगा 75, 10 गुणा 75 ते 200 नाल 15, 200 × 15 बेटा ध्यान रखियो इतने 10 नहीं है 40 है, तो असं 40 नाल 75 नूं गुणा करांगे। ध्यान नाल देखना सारे ने, हुण जदों असं 40 नाल 75 नूं गुणा करांगे तो की साडे कोल आवेगा तुसीं देख सकते हो। जदों असं 75 नूं 40 नाल गुणा करिए तो 0 × 0 = 5, 0 × 2 = 27, 2 × 30 साढ़े कोल आ गया है 3000। तो हुण असीं 200 नूं 15 नाल करांगे तो 15 × 30 नाल 2 जीरो लग जाते हैं। ये भी दस्सिया ना तुहानूं गुणा करन दा तरीका, 0 वाले छड्ड के बाकी नूं गुणा करो तो 0 लगा दिओ। तो इस तरह दोनों का आंसर साढ़े कोल की आ गया है 3000 आ गया है। इधर भी 3000 ते इधर भी 3000 आ गया। इहदा मतलब ये दोनों के विचकार कहड़ा निशान लगेगा, बराबरी का निशान लगेगा। तो फिर की आंसर आएगा कि ये ठीक हैं ट्रू। इस इसका आंसर लिखांगे ठीक, तो इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे इसका आंसर ट्रू। इस तरह साडा पहला भाग बेटा जिहड़ा है तीजे सवाल का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करांगा तुहानू समझ आ रहा होगा। हुण असीं दूजा भाग करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। दूजे भाग दे विच वी जदों असीं देखिया तो बेटा खब्बे हाथ लीटर लीटर तो सज्जे हाथ किलोग्राम किलोग्राम ने, कोई टेंशन नहीं, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगा। तुसीं देख सकते हो मैं फिर द्वारा लिख लिया है कि अंत पदां दा गुणनफल ते मध पदां दा गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है कि 7.5 नूं गुणा करांगे असीं 10 नाल, 7.5 × 10 ते 15 नूं 5 नाल बेटा। 15 ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 × 5 = 75 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 7.5 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.1 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ। ਤੇ
जिसमें इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे ट्रू। ये साढ़ा इस सवाल का आंसर भी आ गया। किन्ना सौखे तरीके तुम समझाने की कोशिश की जा रही है तो उम्मीद है तुम्हें समझ भी आ रहा होगा। हुण आपां सी भाग करांगे। सी भाग नूं करदे होए भी देखांगे कि सी भाग दे विच भी जिहड़ी यूनिट्स ने वो बराबर ने या नहीं। देख सकते हो तुसीं खब्बे हाथ किलोग्राम किलोग्राम ते सज्जे हाथ रुपए रुपए ने, बिल्कुल सही है। सेम मैथड अपलाई होगा इस क्वेश्चन के उत्ते भी। हुण तीजे भाग जे देखो बेटा, साढ़े कोल जिहड़े अंत पदां ने वो है 99 ते 20। असीं 99 नूं 20 नाल गुणा करांगे ते मध पदां दे विच 45 नूं 44 नाल गुणा करांगे। हुण सब तों पहलां असीं 99 नूं 20 नाल गुणा करके देखदे हां। जो असी 99 में 20 ना गुणा करांगे, 00 9 दूनी 18 8 उपर 1 9 दूनी 18 ते 19 1980 साढ़े को आंसर आ गया है। असी इतने 1980 लिख देवांगे। हुण 44 ते 45 नूं गुणा करन जा रहे हैं। 45 गुणा 44 गुणा करांगे, ध्यान नाल देखना है। तो यह भी साडा बेटा देखो 45 नूं 44 नाल गुणा किया तो 1980 ही आ गया है। यदा मतलब ये विचकार बराबरी का निशान आ गया है तो यह की होएगा ठीक, जिसनों असी इंग्लिश में लिखते हाँ ट्रू। साडा इस तरह तीजे भाग का भी बेटा जी आंसर आ चुका है। हुण असीं इसका चौथा भाग करांगे, ध्यान देखियो। हुण चौथे भाग दे विच बेटा देखो अंत पदां दे गुणनफल दे विच असीं 32 नूं 12 नाल गुणा करांगे ते मध पदां दे विच 64 नूं 6 नाल गुणा करांगे। असीं देखदे हां गुणा करके सानूं की प्राप्त हुंदा है। असीं 32 नूं 12 नाल गुणा करांगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 एक नाल गुणा करके सेम ही आ जाता है तो 4 8 3 384 प्राप्त होया है। हुण असीं 64 नूं जदों 6 नाल गुणा करते हाँ तो 6 4 24 4 उपर 2 6 6 36 ते 37 38 384 ही प्राप्त हुंदा है। इहदा मतलब साडे कोल बराबर आंसर आ गया है। खब्बे हत्थ दा भी 384 आंसर आया है ते सज्जे हत्थ दा भी 384 आंसर आया है ते इहदे विचकार हुण कीहड़ा निशान लगेगा, बराबरी दा निशान लगेगा। इहदा मतलब आंसर की होवेगा ठीक, जिसनों असी इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे ट्रू। तो साडा आंसर आ गया बेटा। इस तरह हुण इसका ई भाग देखो। ई भाग दे विच साडे कोल अंत पदां दे गुणनफल दे विच आएगा 45 नूं 15 नाल गुणा ते मध पदां दे विच 60 नूं 12 नाल गुणा। बेटा हुण असीं 45 नूं 15 नाल गुणा कर रहे हां। 5 5 25 5 उपर 2 5 5 20 ते 2 22 ते गुणा करके साढ़े कोल आंसर बेटा जी 675 आया है। लेकिन 12 6 72 720 ते जिहड़े कि आपस में बराबर नहीं हन, इहदा मतलब की आएगा गलत। इंग्लिश विच बच्चे लिखणगे फॉल्स। तो इस तरह बेटा साडा 12.2 ब्याज का दूजा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करांगा कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आई होवेगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे, तुहानू समझ आ रहा होवे, तो जरूर उसनू लाइक करया करो, जरूर कमेंट करया करो ते मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लो।